नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आए हूँ, साल 2020 में इंदिरा एकादशी कब है और इस दिन इंदिरा एकादशी का व्रत कब पड़ेगा और शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का विधि क्या है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि इंदिरा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इस दिन व्रत रखा जाता है और इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इस दिन इंदिरा एकादशी 2020 को आपको कब पारण शुरू करना चाहिए, अर्थात पारण का शुभ मुहूर्त कब है, के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि एक इंदिरा एकादशी का नियम क्या क्या है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी इंदिरा एकादशी की जानकारियाँ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को जरूर देखिए, एंड तक देखिए। और आप सबको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम पहले आपको ये बता देते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त कब है। इस बार 2020 इंदिरा एकादशी का व्रत 13 दिसंबर रविवार के दिन है और इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 दिसंबर के सुबह 4:13 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 14 सितंबर की सुबह 3:16 पर। अब हम आपको ये बता देते हैं कि इंदिरा एकादशी व्रत के प्रारण का समय होगा 14 सितंबर सोमवार के दिन, समय है दोपहर 12:59 पे से शाम के 3:27 तक। और पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह के 8:49 पर समाप्त होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि इंदिरा एकादशी का पूजा विधि क्या क्या है, कैसे आपको पूजा करना है और इस दिन हमें पूजा करने से पहले क्या करना होता है के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले इंदिरा एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान आपको करना है, जैसे आप और एकादशी में करते हैं वैसे ही आपको इस एकादशी में भी करना होता है। और आपको सारे दैनिक कार्य करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य को अर्घ देना होता है। इस दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब भी अर्घ दे आप जल में काला तिल अवश्य ही डालिए, ऐसा करने से आपको पितरों के आत्मा को शांति मिलता है और आपको आशीर्वाद भी मिलता है, इसलिए आप ऐसा जरूर कीजिए। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु का प्रतिमा या तस्वीर को आप गंगा जल से आप उनके तस्वीर को स्नान कराइए। और इस दिन आपको भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए, पीले फल फूल मेवा मिष्ठान्न उनका पूजन करना चाहिए अर्थात उनको चढ़ाना चाहिए, रोली और अक्षत जरूर चढ़ाइए। और एक विशेष ध्यान रखिए कि आप भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां अवश्य ही चढ़ाइए और इसके बाद आप भगवान विष्णु की आरती कीजिए, मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और आप पूजा करने के बाद आपको अंत में अगर तिथि है आपके पितरों की तो आप श्राद्ध करिए और आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाइए और उनका तर्पण कीजिए।
अब ये सवाल उठता है कि जब 2 दिनों का एकादशी तिथि होता है, जो परिवार के साथ रहते हैं उनके लिए जो एकादशी तिथि होता है वो पहले दिन का व्रत होता है और इस दिन उनको व्रत करना चाहिए, और दूसरे दिन वाले जो एकादशी होता है वो सन्यासियों के लिए होता है, और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए इच्छुक होते हैं वो दूसरी एकादशी का व्रत रखते हैं। और जब भी कभी एकादशी का व्रत 2 दिनों का होता है जिसे हम दूजी एकादशी कहते हैं। अब हम एक इंदिरा एकादशी का नियम बताते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इंदिरा एकादशी का नियम क्या क्या है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत जो आप रखते हैं उस दिन आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको पूजा करनी चाहिए, और नियमों के अनुसार आपको पूजा करना चाहिए, और इस दिन आपको फलाहार करके ही व्रत कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रती को कई गुना फल आपको मिलता है, और ऐसा मान्यता है कि इस दिन आपको लहसुन प्याज और मसर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष में होने के कारण शास्त्रों के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कर छोटे छोटे उपाय करने से व्यक्ति के पितरों को मोक्ष मिलता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस दिन आपको कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि विष्णु भगवान जी को इंदिरा एकादशी के दिन आप फल और तुलसी दल के अर्पित करना चाहिए पीले रंग के, और इस दिन आप व्रत रखकर भगवान विष्णु जी के समक्ष भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ होता है, और इस दिन आपको कुछ निर्धनों को भोजन कराना चाहिए और कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए, और उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी आत्मा तृप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवश्य ही पूछ सकते हैं। धन्यवाद।